बने हुए नए भवनों के लोकार्पण के इस कार्यक्रम में उपस्थित महानिदेशक श्री एम ए गणपति जी, एसडीजी पीडब्ल्यूडी श्री धर्मेश गोयल जी, आईजी ऑपरेशंस मेजर जनरल प्रवीण छावरा जी, आईजी हेडक्वार्टर दीपक कुमार केडिया जी, एमएचए के अधिकारी ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री अनंत किशोर जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारीगण, कमांडोज, आए हुए सभी अतिथिगण और पत्रकार, अभी मुझसे पूर्व महानिदेशक श्री एम ए गणपति जी ने विस्तार से इस कोर्स के विषय में और इस आवासीय परिसर के विषय में आपसे चर्चा की और इसके उद्देश्यों के विषय में भी बताया। जिस तरह से उन्होंने बताया कि लगातार 39 वर्षों से इस बल ने राष्ट्र के निर्माण में और राष्ट्र में जहाँ भी उनकी आवश्यकता हुई वहाँ पर उपस्थित होकर बड़े बड़े सफल ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, और जैसा उन्होंने भी शौर्य चक्र, अशोक चक्र और विशिष्ट मेडल की बड़ी संख्या आप सबने प्राप्त की है, आप हमारे देश के बहुत ही महत्वपूर्ण बल हैं जिन पर हमको गर्व है और गौरव है। मैं इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके प्रति समर्पित। जैसे हम जानते हैं इस समय दुनिया में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और जैसा इस फोर्स के निर्माण के समय में ही तय हुआ कि आतंकवादी गतिविधियां, उनसे निपटना और उनके लिए योजनाएं बनाना, ये आपके बल का सबसे प्रमुख कार्य है। लेकिन अभी वर्तमान में हम देखते हैं कि और कई जगहों पर नेशनल या इंटरनेशनल इस तरह की जब गतिविधियां होती हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें भी आपको बड़ी अहम जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। उस दृष्टि से न केवल ये एक महत्वपूर्ण बल है, बल्कि इस बल के माध्यम से हम अपने देश में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में आपके महत्वपूर्ण योगदान के कारण सफल भी हो रहे हैं, और आतंकवादी गतिविधियों पर जहां हमने उनको रोकने का काम किया है, वहीं उनके सामने भी एक बड़ी चुनौती पेश की है। इस समय जैसे आप देख ही रहे हैं पूरी दुनिया में जो टेक्नोलॉजी है, साइबर स्पेस है, उसका लगातार विस्तार हो रहा है, नए नए आधुनिक हथियार, ड्रोन, ये सारी चुनौतियाँ बढ़ती जा रही हैं, और खासकर हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा आतंकवाद का सामना करने वाला अगर कोई देश है तो भारत। और पूरी दुनिया में जिस तरह से हमने सामना किया है, जिस तरह से न केवल हमने फिजिकल सामना किया है, हमारे राजनीतिक जो हमारा परिदृश्य रहा है उसके माध्यम से, हमारी विदेश नीति के माध्यम से, हमने पूरे विश्व में आतंकवाद के खिलाफ एक माहौल खड़ा करने का भी काम किया। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वो मैं ये मानता हूँ, कोई भी देश किसी भी बात सफलतापूर्वक उचित मंच पर तब तक नहीं कह सकता जब तक वास्तव में उसके ही आंतरिक सुरक्षा पूरी तरह से व्यवस्थित ना हो। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारे CAPF की बहुत बड़ी भूमिका है। हम कह सकते हैं इतना 143 करोड़ बल्कि अब संख्या हो गई, पूरी दुनिया में सबसे बड़े देश हैं, और हमारे यहाँ कई कल्चर हैं, कई संस्कृतियाँ हैं, कई तरह से आतंकवादियों को यहाँ पर अवसर भी हैं, ऐसी शक्तियाँ भी यहाँ पर, उनको इतनी अपॉर्चुनिटी है, अलग अलग वेशभूषा, रंग, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के कारण वो लगातार देश के अंदर चुनौतियाँ पैदा कर रहे हैं। लेकिन उस सबसे बहुत ही सफलतापूर्वक जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में आप सब पूरे समर्पण से राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, उसी के कारण ये सफलताएं आज मिल रही हैं। आज दुनिया में भारत का बहुत इस समय नाम भी है, लोगों के आकर्षण का केंद्र भी भारत बना हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं
वहाँ के देश उनका सम्मान भी करते हैं, और उसके साथ साथ लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि भारत के प्रति जो आकर्षण है वो दुनिया में बढ़ता जा रहा है। लोगों को भारत से बहुत सारे लोग दुनिया में 48 से ज़्यादा देशों में हमारे देश के 4 करोड़ से ज़्यादा निवासी रह रहे हैं, और एक तरह से वो भारत के प्रतिनिधि के रूप में उन देशों पे काम कर रहे हैं। उन्होंने भी हमारे देश का जहाँ गर्व और गौरव बढ़ाने का काम किया है, वहीं हम सब ये जानते हैं कि इस देश के अंदर जो कुछ हुआ है, राजनीतिक बात मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैं राजनीति के लिए इस मंच का उपयोग नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात सच है और फैक्ट को कहना भी चाहिए कि पिछले 2014 के बाद में जो परिवर्तन आए उन्होंने ही इस देश को दुनिया का आकर्षण का केंद्र बनाया है। और उसमें मैं अगर ये कहूँ कि राजनीतिक भूमिका का केवल योगदान है तो वो सच नहीं होगा। राजनीतिक भूमिका के साथ साथ हमारे देश के जो भी हमारे कार्यकारी बल हैं, हमारे अधिकारी हैं, उन सब लोगों ने भी बहुत ही अच्छे तरीके से जो योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाई गई उन पर बहुत अच्छे तरह से काम किया, और परिणाम स्वरूप आज हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हमको ये लगने लगा है कि एक ऐसा समय आ गया है, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं यही समय है सही समय, इस समय भारत का समय है। और दुनिया भी मान रही है कि इस समय, बल्कि हम लोग तो कहते हैं 2047 तक हम लक्ष्य पाएंगे, लेकिन दुनिया के लोग ये मानते हैं पूरी की पूरी सदी भारत की, और उस दृष्टि से हमारे काम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप जिन कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं उसको लेकर के हमारे गृहमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात की चिंता करते हैं कि हम आपको अधिक से अधिक सुविधाएं दे सकें, आपके कठिन जीवन को कुछ भी अगर हम सरल कर पाए तो हम ये मानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी, ये हमारा दायित्व है। और इसी कारण आपको याद होगा कि 2015 में हमारी सरकार एक योजना लेके आई जिसमें 3,000 करोड़ रुपए के लागत से हमने लक्ष्य रखा था 13,000 घरों को बनाने, आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। उसमें से लगभग 11,000 घर हमारे बन चुके हैं, 1900 से कुछ ज्यादा निर्माणाधीन है, केवल 100 का नंबर है, 100 के आसपास का जिसमें भी टेंडर हुए। माने वो जो 2015 का काम था आवासों को लेकर के वो सरकार ने पूरा करने का प्रयास किया है। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी किस तरह से इन बातों को रखते हैं और आगे भविष्य में कैसी जरूरतें होंगी उसकी भी चिंता करते हैं। 2021 से 26 तक जो हमारा 15वां वित्त है इसके लिए भी हमने योजना बनाई है, उसमें हमारे जितने CAPFs हैं उसमें NSG भी है, ऐसे हमने उसमें तय किया है कि 28,000 से ज़्यादा घर हम 21 से 26 के बीच में और नए बनाएंगे। उन 13,000 के अलावा 28,000 घर और बनाने का काम हमारी सरकार ने प्रारंभ भी कर दिया, उसमें से 28,000 में से भी 6,500 हमने बना के पूरे कर दिए हैं, बाकी पर भी काम हमारा लगातार चल रहा है। दूसरी जो बड़ी ज़रूरत होती है वो होती है हमारे स्वास्थ्य, हमारे परिवारजनों के लिए चिकित्सा की। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान CAPF योजना प्रारंभ की है, और उसमें हमारे केंद्रीय बलों के 39 लाख से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनको कार्ड, आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं। और ये जान के आपको खुशी होगी कि प्राइवेट सेक्टर के, गवर्नमेंट सेक्टर के और दूसरे हॉस्पिटल, ऐसे लगभग 20,000 अस्पतालों को हमने पैनल में लिया है, जहाँ पर आप कैशलेस मेडिकल सुविधाएं पा सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको मैं ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि इन सुविधाओं का लाभ अभी जो हमारा 8 अगस्त गुजरा है, आज 17 अगस्त है, 8 अगस्त तक का फिगर मेरे पास है जिसमें हमारे देश के CAPFs के जवानों का सभी सामूहिक रूप से
3 लाख से अधिक लोगों ने उसका लाभ लिया है और जिसका 3 करोड़ 21 लाख रुपए का भुगतान गृह मंत्रालय के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए किया गया है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात वो शिक्षा के क्षेत्र की है। प्रधानमंत्री शिक्षा योजना भी हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है, जिसमें स्कॉलरशिप आपके बच्चों को देने के लिए ये काम प्रारंभ किया गया है। CAPF के जो हमारे बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पहले वो केवल 42 कोर्सों में था, अभी हमने 2021 में उसमें 80 कोर्स और जोड़ दिए, तो कुल मिलाकर 122 कोर्सेज ऐसे हैं उसमें बच्चे बच्चियां जो शिक्षा लेंगी उनको स्कॉलरशिप देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। उसके साथ साथ MBBS में हमारा जो डेंटल हॉस्पिटल डेंटल मेडिकल कॉलेज होते हैं उनमें सब में ऐसे रिजर्वेशन की भी हम लोगों ने व्यवस्थाएं की हैं जिनके माध्यम से हमारे बच्चों को आगे बढ़ने में सुविधाएं हैं। इसके अलावा हम लोगों ने यह भी प्रयास किए हैं, एक भारत वीर पोर्टल हम लोगों ने शुरू किया है, डीजी साहब को जानकारी में होगा, उसके माध्यम से सरकार ने इस तरह की योजना बनाई है कि हमारे किसी भी ऐसे जवान को जिसको किसी तरह की कोई कैजुअलिटी होती है तो उसको हम किस तरह से हम उसको दूर तो नहीं कर सकते, शहीद का को जो होता है उसके परिवार के घावों को नहीं भर सकते, लेकिन हम घावों पर मरहम जरूर लगा सकते हैं। तो वो मरहम लगाने के लिए हमने उनके माता पिता उनके परिवार ऐसी सारी चीज़ों को उसमें समाहित किया है, वो आप सबकी जानकारी में होगा। और जैसे हमारा था कि मिलिट्री फोर्सेज जो होती है हमारी जो सेना है, सेना में ये होता था कि उनकी जो डिजीज़ होती थी कैजुअलिटी होती थी उसके लिए उनको बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट मिलता था। हमने ऑपरेशन कैजुअलिटी सर्टिफिकेट प्रारंभ किया है जिसमें सेना के जवानों को जो उस सर्टिफिकेट के होने के कारण जितनी सुविधाएं प्राप्त थी वो सारी सुविधाएं भी आपको भी प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था भी हमारी सरकार उसको कर रही है। ऐसे अनेकों प्रयास हैं, बाकी सारी बहुत छोटी छोटी जो बातें हैं वो सारी आपकी जानकारियों में है, लेकिन मैंने इतना इसलिए बताया क्योंकि आप जिस तरह का समर्पण कर रहे हैं, जिस तरह का काम कर रहे हैं वो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और खासकर जब प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं कि अमृत काल है और इस अमृत काल में 2047 तक हम अपने देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो उसमें हर भारतवासी को अपनी भूमिका है ही। वो कहते हैं सबके प्रयास से ही संभव होगा, लेकिन आप लोगों की उससे बड़ी भूमिका, क्योंकि आप जहां अपने व्यक्तिगत प्रयासों को भी कर रहे हैं एक फोर्स के नाते आपके सामूहिक प्रयास भी हैं, और उसके साथ साथ जो एक नागरिक के तौर पर हम अपने राष्ट्र में के निर्माण में योगदान देते हैं, लेकिन आप उससे अतिरिक्त योगदान देते हैं क्योंकि आप न केवल आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि जब जब जहाँ जहाँ देश की को आवश्यकता होती है आप अपने समर्पण भाव से उस काम को करते हैं। उसी दृष्टि से हमारी सरकार भी जिस तरह से प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी लगातार ऐसी कोशिशें कर रहे हैं, अभी आप सबने 15 अगस्त का परसों भाषण सुना होगा, प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2022 को भी एक आह्वान किया था, उन्होंने पंच प्रण को लेकर के एक बात की थी कि हमारे देश के लोगों को 5 प्रण लेने चाहिए, और उसी दृष्टि से हम आपके बीच में भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं और देश के अंदर भी काम कर रहे हैं। उन्होंने पहला प्रण ये कहा था कि हमारा देश एक विकसित देश होना चाहिए। विकसित देश का सीधा मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति के पास अपना घर हो, घर में जीवन जीने की सुविधाएं हो, उसकी जरूरतें पूरी हो, चिकित्सा और शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, परिवहन के अच्छे साधन हो, अच्छे एयरपोर्ट हो, अच्छे हाईवे हो, अच्छी ट्रेनें हो, और डिजिटलाइजेशन का जिस तरह से हमने काम किया है उसमें बहुत सारी चीजें आपके हाथ में आ गई, आपका जीवन सरल हो, सरलता से आप अपने रोजमर्रा के कामों को अंजाम दे सकें, ये सारी चीजों के साथ साथ देश सुरक्षित हो, देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, इन सब पर भी हम काम कर रहे हैं। और जो भी इंडिकेटर्स आ रहे हैं वो चाहे हमारी एजेंसियों के हों या विदेशी एजेंसियों के, वो सारे के सारे भारत के पक्ष में, वो लोग कह रहे हैं
यहाँ आने वाले समय में भारत बहुत तेजी से आगे भी बढ़ रहा है और आने वाले समय में जो लक्ष्य हमारी सरकार ने तय किए वो पाले। तो कहने का मतलब जो पहला प्रण है कि ये देश एक विकसित राष्ट्र बने, उस तरफ हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आप सब जो पेपर्स वगैरह में देखते रहते होंगे, बड़े पैमाने पर करोड़ों की संख्या में जहाँ घर बनाए, अन्य सुविधाएं दी, नेशनल हाईवे बनाए, गांवों को सड़कों से जोड़ा, ये सारे कामों को हमने किया। वही दूसरा प्रण, उन्होंने कहा कि हमको गुलामी के चिन्हों को मिटा देना चाहिए। ये इस देश का दुर्भाग्य कि आजादी के 76 साल होने के बावजूद हमारे देश में बहुत सारी चीजें ऐसी बिखरी पड़ी जो हमको गुलामी की याद दिलाती है। अभी जैसे गृह मंत्री जी ने 11 अगस्त को जब लोकसभा में एक बिल पेश किया, जब भारत के कानूनों को बदलने के लिए जो आपराधिक और न्यायिक कानून है उनको बदलने के लिए जब वो स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने जिक्र किया कि हमारी आईपीसी जो 1860 में बनी थी वो 1857 के पहले संगठित स्वतंत्रता संग्राम के कारण ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास होकर हमारे यहां लागू की गई थी। उसमें छोटे मोटे अमेंडमेंट हुए होंगे, लेकिन वो 1860 से वैसी ही चली आ रही और उसमें 475 जगहों पर ब्रिटिश पार्लियामेंट या उनकी जो सर्वोच्च अदालत होती है प्रिवी काउंसिल, उसका जिक्र उस आईपीसी की किताब में, लेकिन किसी ने देखा नहीं। सीआरपीसी 1898 की, एविडेंस एक्ट 1872 का, इंडिया गेट हम सब जाते थे, घूम के चले आते थे, किसी ने इंडिया गेट में परिवर्तन होने चाहिए जो हमारे गुलामी के चिन्हों को मिटा सके। इंडिया गेट से जो हमारा ऑफिस है नॉर्थ ब्लॉक का, गृह मंत्रालय का, राष्ट्रपति भवन तक जाता है, उसको कहते थे किंग्स वे। अब हिंदुस्तान में कौन राजा है, हिंदी में कहते थे राजपथ, लेकिन उसका असली नाम था किंग्स वे, राजा के लिए बनाया गया रास्ता। प्रधानमंत्री जी ने छूटा है लेकिन वो परिवर्तन कर दिया, राजपथ को कर्तव्य पथ में बदल दिया और इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा को स्थापित करने का काम। ये छोटी छोटी बातें, लेकिन हमको दूसरा प्रण उन्होंने कहा कि गुलामी के चिन्हों से मुक्ति पाना। हम हर उस चीज को बदल रहे हैं जो हमको गुलामी की याद दिलाती है। हमारे बहुत सारे शहर ऐसे जिनकी अजीबो गरीब नाम, यहाँ पर मैं उनका जिक्र नहीं करूँगा नहीं तो राजनीति समझ में आ जाएगी, पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, लेकिन ये प्रण है कि हमारे गुलामी के चिन्हों को खत्म ही होना चाहिए। कब खत्म हो, 76 साल हो गए। और तीसरा जो प्रण उन्होंने कहा है वो ये उन्होंने कहा है कि हमारा इतिहास गौरवशाली, हमारे यहाँ बहुत सारे योद्धा हुए, भले ही संगठित युद्ध उस समय ना हुआ हो, लेकिन उन्होंने अपनी वीरता का लोहा पूरे विश्व को मनवाया, उनका कहीं जिक्र नहीं। हमारे बहुत सारे आदिवासी भाई बहनों ने बहुत बड़ी बड़ी वीरगति को प्राप्त किया, स्वतंत्रता के लिए इस देश के लिए बहुत बड़ी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन उनका जिक्र नहीं। जिक्र है उन लोगों का, राय बहादुर, राय साहब, जो अंग्रेजों को खाना खिलाने से लेकर सुलाने तक का काम करते थे, सुबह उठने से पहले फिर पहुंच जाते, उन लोगों का तो इतिहास लिखा गया, लेकिन जिन्होंने उसे लड़ाई लड़ी उनका इतिहास नहीं लिखा गया। हमारे पूर्वोत्तर में कितनी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई, कई जगहों पर हमने देखा है, हमारे उत्तर प्रदेश का बलिया, महाराष्ट्र का सतारा, ये सब आजादी से पहले 1942 में ही स्वतंत्र हो गए। मैं जिस जिले का आता हूँ, मैं जिस मेरी जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका मैं जिक्र, उस वीर योद्धा का कभी जिक्र नहीं हुआ। हमारे यहाँ राजनारायण मिश्र थे, सन 1944 में आखिरी फांसी स्वतंत्रता आंदोलन की अगर किसी को हुई है तो लखीमपुर के श्री राजनारायण मिश्रा जी, लेकिन उनका जिक्र इतिहास में नहीं आता। लिखापढ़ी में है लेकिन उसका जिक्र हो वो बात नहीं आती। हमारे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के
एक बहुत बड़े कवि थे वंशीधर शुक्ल। अगर हम तीनों विधाओं की बात करें जिन्होंने स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, भगत सिंह अगर हम क्रांतिकारी लाइन को अगर पकड़े तो वो जो गीत गाते हुए फांसी पर चढ़े थे, मेरा रंग दे बसंती चूला, वो भी वंशीधर शुक्ला ने जो लखीमपुर के थे उन्होंने लिखा था। और गांधी जी जो रोज अपनी प्रार्थना सभा में गीत गाते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ तू सोवत है, वो भी पंडित वंशीधर शुक्ला ने लिखा था। और तीसरी जो विधा थी सुभाष चंद्र बोस जी की, जो पॉलिटिक्स और क्रांतिकारी दोनों को मिला के बनी थी, उनका जो सेना का गीत था कदम कदम मिलाए जा खुशी के गीत गाए जा, वो भी पंडित बंसीदास शुक्ला ने। लेकिन ऐसे लोगों का जिक्र नहीं, हमको इतिहास का पुनर्लेखन करना है। कई लोग हमारी सरकार पर भी सवाल उठाते, भाई ये कहाँ से आ गए, कैसे इतिहास लिखने लगे, क्यों नहीं हम अपने वीरों को याद, क्यों नहीं हम अपने इतिहास को याद करें। हमारा गौरवशाली इतिहास है, हजारों वर्ष पुरानी हमारी परंपरा है। ये देश ज्ञान और संस्कृति संस्कारों का देश रहा, जिससे पहले भी पूरी दुनिया आकर्षित, अब फिर आकर्षित हो रही। हम तो पूरी दुनिया में किसी से नहीं लड़ते, हम तो कहते हैं पूरी दुनिया एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम की धारणा है। हमारी संस्कृत सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध है, लेकिन लोग नहीं जानते थे। 2014 से पहले उनको लगता था ये देश कमजोर लोगों का देश, ये देश गरीब देश है। हमारे यहाँ तो मंदिरों में इतना सोना है जितना बहुत सारे देशों की कुल टोटल जीडीपी नहीं होती, तो काम ही नहीं आता। इतना इतनी समृद्ध आर्थिक स्थिति, इतनी समृद्ध संस्कृति, लेकिन लोग नहीं जानते थे। 9 साल में लोगों को पता चल गया कि देश कमजोर नहीं, बहुत ताकतवर देश। उसका पुनर्लेखन हो, इतिहास का पुनर्लेखन हो, ये तीसरा प्रण हमारे प्रधानमंत्री। और चौथा प्रण हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया कुछ कहती है, राजनीतिक लोगों ने इस देश के लोगों को लड़ाने का काम किया है, कभी भाषा के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर, कभी जाति के आधार पर, लेकिन हमको प्रण लेना है कि हमारी संख्या ही हमारा बल है, हमारी ताकत है, हमारी पूंजी है, हमारा आपस में भाईचारा, एक दूसरे का सम्मान, और पूरा देश एक भारत श्रेष्ठ भारत की संरचना के लिए एक होकर के जाति धर्म भाषा खान पान इसको एक अलग करके हम एक तरह से आगे बढ़े। और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण प्रण उन्होंने लेने के लिए कहा है कि हम सबको संविधान में बहुत सारी चीजें लिखी है, लेकिन अपनी जरूरत के हिसाब से लोग उसका उपयोग करते हैं, खासकर राजनेता, ये संविधान में लिखा है उसको मान लेते हैं, लेकिन जो वास्तव में सारी चीजें लिखी, लोगों को फैसिलिटी देने का जो बात संविधान के अनुच्छेद 38 से 51 तक चौथे अध्याय में है, वो सबसे जरूरी बात है हमारे देश में, जिसका मैंने जिक्र पहले प्रण के रूप में प्रधानमंत्री के किया, उसका जिक्र लोग नहीं करते। इस देश के लोगों को सुविधाएं मिले, वैसे ही संविधान में यह भी है जिसको पांचवें प्रण के रूप में हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमको कुछ भी अधिकार प्राप्त करने से पहले अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। ये उन्होंने पांचवा प्रण लेने को कहा। ये 5 प्रण है और देश के ज्यादातर लोगों ने संकल्प कर लिया कि हम इन पर आगे बढ़ेंगे। ये देश निश्चित रूप से 2047 तक न केवल एक विकसित देश होगा, एक समृद्ध आर्थिक रूप से मजबूत, रक्षा के क्षेत्र में मजबूत, व्यापारिक रूप से और लोगों की आमदनी की दृष्टि से और लोगों के जीवन को आसान बनाने की दृष्टि से, ये सारे लक्ष्यों को हम प्राप्त करेंगे। लेकिन उन सब में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है और आप निश्चित रूप से, मैं आपके लिए ये सब नहीं कह रहा, आप लोग तो हम लोगों से ज्यादा सेंसिटिव, आप हमसे ज्यादा सोचते, आप हमसे ज्यादा कर भी रहे। मैंने अभी कुछ मुझे पेपर मिला था, उसमें मैंने देखा कि पर्यावरण के लिए दुनिया भले परेशान हो, आप सबने हमारे सीएपीएफ से 3.5 करोड़ से ज्यादा
पौधे लगा दिए, 70 लाख तो आपके एनएसजी। तो आप हर विषय को सोचते हैं, ऐसा नहीं कि पर्यावरण से लेकर के देश में क्या हो रहा है। लेकिन मैं सरकार का एक प्रतिनिधि होने के नाते, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में काम करता हूं, मैं उनकी तरफ से आपको ये जरूर कहना चाहता हूं कि आप एक कठिन जीवन जीते हैं, लेकिन आप भारत के महत्वपूर्ण लोग हैं, महत्वपूर्ण पुरुष हैं। हम आपके जीवन को अच्छा और आसान बनाने के लिए, ये हमारा संकल्प है कि जो भी कर सकते हैं उसको हम करने की कोशिश करेंगे। आप सब जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उससे मेरा विश्वास है कि ये राष्ट्र अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा और हमारे प्रधानमंत्री के लाल किले के आह्वान को निश्चित रूप से हम सब पूरा करेंगे। इस अवसर पर मैं फिर से आपको एक बार बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं, धन्यवाद।